बाबू की जय। गजराज बाबू की जय। गजराज बाबू की जय। गजराज बाबू की जय। गजराज बाबू की जय। जयकार हम का नहीं, आप जय सन लक्ष्मी लोगन का होना चाहिए। ये फूलों का हकदार हम नहीं, आप लोग हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपकी जिंदगी से दुख के कांटे निकालकर सुख के फूल बिछा दे। पर हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। मेरे पति की मौत के बाद अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। सहारा देने वाला तो वो ईश्वर है, हम तो केवल प्राणी मात्र हैं, उसके बंदे। मालिक, इस लड़के के माता पिता मर गए हैं, इसे आपके सहारे की जरूरत है। तो तुरंत इसका रहने का बंदोबस्त करो। लेकिन पहले से आपके यहाँ जगह खाली नहीं है। कौनो बात नहीं, हमने नया आश्रम खुलवाया है, कल लड़कियों को हुआ भिजवा देंगे। तब तक तुम इसका ख्याल रखना। जी अच्छा, जाओ चलो। काची हुआ रे, तू काहे परेशान है? शहर में पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दिया है, कल हम जो लड़कियां बाहर भेजने वाले हैं उसमें खतरा नजर आ रहा है। खतरा? अरे हम तो खुद ही खतरा हूँ, खतरों में पैदा लिया हूँ, खतरों से खेलना तो हमारी आदत है। तू तो एकदम बकलोल है रे मदना। अरे मास्टर वासुदेव को काहे लागे रखा है नारी निकेतन में? पुलिस को तन्निक को भी शक नहीं आएगा ऊपर। तू एक काम कर, कल सुबह सुबह मास्टर को बंगले पे भिजवा दे, जा। नमस्कार मालिक। ओम स्वाहा। आवा वासुदेव। कबूतरों को दाना खिला रहे? हाँ वासुदेव, जब तक हम दीन दुखियों पशु पक्षियों को खिला न दे तब तक न हम अन्न ग्रहण करता हूं न जल को छूता हूं। और ये पक्षी तो सिर्फ हमरे हाथों से ही दाना चूकते हैं। आपके हाथ हैं ही दया के सागर, दान और श्रद्धा की सजीव मूर्ति हैं आप। हम तो केवल प्राणी मात्र हूं वासुदेव। आपके द्वारा किए गए कर्म और भक्ति भाव से पूरा गांव बेहद प्रसन्न है मालिक। मगर हम प्रसन्न नहीं हूं। आओ, हमरे यहां नारी निकेतन में लड़कियों की देखभाल ठीक तरह से नहीं हो रही है, और इसका मुख्य कारण है जगह का अभाव। इसलिए कुछ लड़कियों को अपने दूसरे नारी निकेतन में भेजने का निर्णय हम लिया हूं, और इस कार्य के लिए हमका तुमसे योग्य कोई और व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। हम चाहता हूं यहां से लड़कियों को तुम लेकर जाओ। मैं? तुम्हें कोई इतराज? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूं? परीक्षा में जब एक विधायक के बेटे को नकल करते पकड़ने पर मेरी नौकरी चली गई थी तो आप ही ने तो मुझे सहारा दिया था। मेरा तो रोम रोम आपका कर्जदार है। आप आज्ञा दीजिए, कब जाना होगा? शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं आज ही चले जाओ। ठीक है, तो मैं तैयारी करता हूं। ओम स्वाहा। अरे अरे, ये क्या, तुम तो इस इंसान को भगवान बना रही हो। स्त्री के दिल में पति का दर्जा भगवान के समान होता है। लेकिन भाई, मैं तो कुछ ही दिन के लिए जा रहा हूं, हमारे साहबजादे रोहित का है। अरे ये सब क्या है बेटा? पिताजी, क्या है क्या नहीं है ये मत पूछिए, आप जल्दी से हाथ बढ़ाइए। क्यों भाई? आज बेटा अपने पिता को राखी बांधने वाला है, हाथ बढ़ाइए ना। लो, आंखें बंद कीजिए। अब आंखें खोलिए। घड़ी? भाई आपकी घड़ी तो महीने में 31 दिन मैकेनिक क्या पड़ी रहती है, और आपको आदत है हर 2 मिनट टाइम पूछने की। वहां तो हम रहेंगे नहीं ना आपको हर बार टाइम बताने के लिए, तो मैंने सोचा घड़ी ले लूं। लेकिन तेरे पास इतने पैसे? अरे वेरी सिंपल माँ, पॉकेट मनी जिंदाबाद। अपनी पॉकेट मनी से तू मेरे लिए घड़ी लेकर आया? जब मैं साइकिल पे कॉलेज जाया करता था आपने भी तो अपने प्रोविडेंट फंड तोड़ के मुझे मोटरसाइकिल लेके दी थी। वैसे पिताजी, इसके पीछे मेरा अपना एक स्वार्थ भी है। वो क्या? अब जब भी ये घड़ी देखेंगे तो इसमें आपको अपने बेटे की तस्वीर नजर आएगी।
हाँ मर गई। आ, क्या रे हाईवे पे गाड़ी चलाना सीख रहा है क्या? ए, एक दूंगा ना, हॉर्न बजाना सुनाई नहीं दे रहा क्या? उई माँ, ना आजू ना बाजू, एकदम बीच में ठोक दिया। ना राइट ना लेफ्ट, किधर भी जाने नहीं दिया। गाड़ी चला रहा है या डांस कर रहा है? उई माँ, एक तो मेरी गाड़ी ठोक दी, ऊपर तो डांट रहा है। रानी बेबी, इस हीरो को देखो रानी बेबी, मैं देखती हूँ तेरे को। कौन है रे तू? अब से सुन रही हूँ, तुम इस रानी के बारे में नहीं जानते हो, नौटंकी करती हो और बड़े बड़े लोगों को अपनी उंगली पर नचाती हो, अब तेरी छुट्टी भी करती हूँ मैं। ए, नीचे उतर, अभी मजा चकाती है तेरे को। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। माफ कीजिएगा, गलती मेरी थी। नहीं नहीं, असल में गलती हमारी थी। अच्छा जी। ए, कहां जा रहा हमें छोड़कर? हमें भी साथ ले चल, अगले मोड़ पर छोड़ देना। और तुम्हारा ये खटारा? वो तो आता रहेगा, चले आइए। उई माँ, क्या मुस्टंडा है ना। चल, चल। गूंगी के साथ सफर करना बहुत मुश्किल होता है। कम से कम एक हाथ से भोंपू भी बजा दो। कुछ तो बोलो ना। अभी तक कुंवारा हूँ। हमारी रानी बेबी भी अभी तक कुंवारी हैं। ये क्यों बता रहे हो? ना माँ ना बाप, बस अकेला। इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है इस नटखट के सिवाय। ओ, जो तुम सोचते हो ना, मैं वो नहीं हूँ। मैं ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ, बीच का हूँ। ये सब क्यों बता रहे हो? दूरी का ड्राइवर हूँ, 11,000 रुपए मिल जाता महीने का, उसमें गुजारा चल जाता है। रानी बीबी और मैं भी मिलकर नौटंकी करते हैं और हमारे को मिलता है 10,000-11,000। चुप करो बस। एक लड़की को एक लड़के के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए, आपकी जगह आ गई। आप भी चलिए ना। मुझे बहुत दूर जाना है, मैं यहाँ वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। चलिए। ऐसे जाने नहीं दूंगी, आप भी चलिए ना हमारे साथ, प्लीज। अच्छा चलिए, मैं आता हूँ। बेशर्म लड़की। बताऊं ही मैं मुस्कुरा नहीं।
क्या बात है मदन, तुम यहाँ? जी मास्टर जी, इस बस का परमिट इसी स्टेट तक ही है, ये बस आगे नहीं जा सकती, इसीलिए नए नारी निकेतन का बस और वहाँ के आदमी को लेकर आया हूँ। आइए राजेंद्र बाबू, ये नए नारी निकेतन के इंचार्ज हैं। अच्छा अच्छा, तो आप अब हम सबको वहाँ लेकर चलेंगे? हाँ चलो लड़के, उतरो और उस बस में जाकर बैठ जाओ। अरे चलो 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 उधर जाना। वैसे तो आपका नाम बहुत सुना है, आप समाज सेवा भी बहुत करते हैं। बस ऐसा ही है। मुझे मुझे खिड़की वाली जगह देना बाबू। चलो राजेंद्र बाबू, पैसा निकालो। ये लीजिए आधा नारी निकेतन के नाम पे चेक और ये आधा कैश। लेकिन इस बार आप लोगों ने पैसे दुगने लिए हैं। माल भी तो ऐसा ही दिया ना। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैंने सब सुन लिया है। देवता समान गजराज बाबू के नाम की आड़ में तुम इन मासूम लड़कियों के जिस्म का धंधा करते हो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही दम लूंगा। ओम स्वाहा। गजराज बाबू, आप ठीक समय पर आ गए। ये सब इन लड़कियों का धंधा करता है जी। आप इन सबको, इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मगर हम करूंगा नहीं। पूछो काहे? क्योंकि सब लोगन हमरे लिए काम करत है। अब मास्टर चुपचाप गाड़ी में जाके बैठो। हरगिज नहीं गजराज चौधरी, मैं तुझे भी सारे गांव के सामने नंगा कर दूंगा। तुझे भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। भागने न पाए दम खत्म कर दो। मास्टर जी आपकी हालत? ये मेरे काम का इनाम है, मेरे पाप का अंजाम है। कौन सा काम, कौन सा पाप? लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं आपका देव हूँ, देव प्रकाश। देव प्रकाश, देवा? हाँ मास्टर जी, वही देवा जिसके भूखे बचपन को आपके रोटियों ने सहारा दिया, जिसके नंगे बदन को आपके कपड़ों ने ढका, वही देवा जिसको आपने ज्ञान भी दिया और स्कूल के फीस भी। देवा अभी वक्त नहीं है, तुम पर मेरी गुरु दक्षिणा बाकी है, चुकाओगे ना? आपको कहने में देर लगेगी मास्टर जी, मगर ऋण चुकाने में मुझे देर नहीं होगी। देवा जिस चाकू पर मेरा खून लगा है, उस चाकू से मेरे मेरे परिवार को बचाना। कौन है वो, कौन है वो मास्टर जी? भरतपुर में एक काला पिंजरा है, नारी निकेतन, जहां बेबस और तुम। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। डॉक्टर साहब, मास्टर जी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। लोग मुर्दे को शमशान घाट लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं। नहीं डॉक्टर। कहां से लाए उन्हें? नेशनल हाईवे से। ठीक है तुम यहीं रुको। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब मैं डॉक्टर कांतिकरण बोल रहा हूं। अभी भी हॉस्पिटल में एक आदमी एक डेड बॉडी लेकर आया है, आप तुरंत आ जाइए प्लीज। जी एक्सीडेंट से ज्यादा मर्डर लग रहा है, क्योंकि चाकू का घाव है। क्या ऐसा भी होता है कि मर्डर करने वाला खुद डेड बॉडी हॉस्पिटल लेकर आए ताकि उस पर शक ना हो? हाँ आप आ जाइए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके सुनिए आप कौन हैं? जी मैं ट्रक ड्राइवर देवा। देखिए आप एक काम कीजिए, आप वहां बैठ जाइए, पुलिस आपका बयान लेने आ रही है।
कहीं जाइएगा नहीं, सिट डाउन। देवा, पुलिस केस में फंसने वाला है क्योंकि मर्डर तो हुआ है, तो इस वहम में नहीं रहना, ये तो सच्चा है, सच्चाई जीतती है, मगर बहुत देर बाद तुझे गुरु दक्षिणा चुकाने भरतपुर जाना ही होगा। भाग देवा, भाग, भाग यहां से, भाग। बेटे, ये गांव का सब लोग तो हर साथ है, कैसन पत्थर दिल होगा वो हत्यारा जिसने इस देवता जैसन आदमी की जान ले ली। अगर वो हमरे हाथ लग जाए ना तो वह हत्यारों को हम जिंदा ही जला डालेंगे। चलो बेटा, पहले क्रियाकर्म तो कर लो। ऐसा न्याय है देवी मां, मुझे जीवन दान देकर उसके बदले में मेरे पिता की जान ले ली। अगर यही तेरा न्याय है तो अब मेरा न्याय देख। एक दिन अपने पिता के हत्यारे को इसी मंदिर में लाकर तेरे ही सामने उसकी हत्या करूंगा। नहीं नहीं बेटे, नहीं। जिसने मेरे देवता समान पति की हत्या की है, मेरी मांग का सिंदूर मिटाया है, उस हत्यारे को मैं अपने हाथों से सजा दूंगी। जा, कहीं से भी ढूंढ कर ला, खाली हाथ नहीं लौटना। अगर खाली हाथ लौटा तो मैं तुझे भी माफ नहीं करूंगी। मां मुझे आशीर्वाद दे कि मैं तेरा दूध का कर्ज अदा कर सकूं। भाई अगर इस रफ्तार से चलोगे तो डेढ़ घंटा क्या, पांच घंटे में भरतपुर पहुंचोगे। नया लाइसेंस मिला है क्या? कैसे मालूम पड़ा? नहीं, मेरा मतलब है ट्रैफिक नहीं, सुनसान सड़क, और तुम ऐसे झूम के चल रहे हो। सुना है कि नया ड्राइवर और नई शादी, रफ्तार बहुत तेज होती है। ऐसी बात है क्या? अब देखो मेरा कमाल। समान, समान। आ,
भाग चलो उस्ताद, पुलिस वाला है, देने के देने पड़ जाएंगे। ए, क्या बकवास कर रहा है? इस वीरान सड़क पे इतनी रात को एक जख्मी आदमी को छोड़कर कैसे चले जाएंगे? यहाँ बैठ, मैं देखता हूँ। मैं कहाँ हूँ? आप चंदनगढ़ के डॉक्टर रणबीर पुष्प के यहाँ हैं। ये साहब जख्मी हालत में आपको यहाँ लेकर आए हैं। तुम? जी, मेरा नाम देव प्रकाश है। मैं भरतपुर जा रहा था, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मेरा हर हाल में भरतपुर पहुंचना बहुत जरूरी है। भरतपुर तो क्या, आप कम से कम एक महीने तक इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। आपकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है, सर पे टांके लगे हैं। यूं हिलने डुलने से ये टांके टूट सकते हैं और आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपके क्लिनिक में फोन है? फोन तो आपको यहाँ से 5 कोस दूर पर ही मिलेगा। अगर भरतपुर आपको कोई संदेशा देना हो तो मुझे बताइए, मैं पहुंचा दूं। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरी जीप और मेरा सब सामान मेरे थाने में पहुंचा देना और उन्हें सब कुछ मेरे बारे में बता देना। आप घबराइए नहीं, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। डॉक्टर साहब, हाँ, आप इनका ख्याल रखना। डोंट वरी। आज न्याय इंस्पेक्टर का धज्ज उड़ा ही डालता हूं मैं। अरे वो हवलदार, तू बाहर जाके देख यार, अभी तक न्याय इंस्पेक्टर आया कहीं नहीं। साला बाजी हारता ही जा रहा हूं मैं, तू चल यार। अरे भाई, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से साहब को आप तक आ जाना चाहिए था, हम क्या करें। ए, इंस्पेक्टर साहब आ गए। आ गया? हाँ बाबू, पत्ता ऐसे ही रहने देना, चलो देखता हूँ। सलाम साहब। आवा आवा हकीम बाबू। मैं हकीम नहीं हूँ भाई। अरे डरने का कौनो जरूरत नहीं है, हमको मालूम है ये थाना के नया इंस्पेक्टर अजय कुमार तुम ही हो। हवलदार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इसे कहिए कि बाहर जाए। हुजूर, इन्हें काहे को तकलीफ दे, चलिए ना, हम ही लोग बाहर चले जाते। सुना चिकने, बाहर हमको नहीं बल्कि तुमको जाना है। सोच का चिरा है, चल चल बाहर चल। देखिए भाई साहब, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। अरे चल चल बाहर चल, ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा, पहले बाहर चल फिर बात करना। चल बाहर। अरे मेरी बात तो सुन। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ और यहाँ से चला भी जाता हूँ एकदम आउट। मगर एक प्रॉब्लम हो गई है। का? वो जो गांधी जी की फोटो है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अब ये तुम ही लोग बताओ कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि गांधी जी की फोटो टेढ़ी रहे। अब तो ये फोटो मैं सीधी करके ही जाऊंगा और ये फोटो तब सीधी हो सकती है जब तुम लोग सीधे हो जाओ, है ना बातों मैडम? अरे शांत हो जाओ, चलो अपने अपने घर जाओ। चलो ।
तुम्हारे जाने के बाद अचानक उस दिन इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई और फिर से बेहोश हो गए। कब तक होश आएगा? We can't say anything. कुछ कह नहीं सकते। सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। ऐसे केसेस में मरीज को होश आने में कई बार काफी दिन भी लग जाते हैं। मुझे लगता है इन्हें शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। देखो, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता, ऐसी हालत में इन्हें कहीं भी ले जाना इनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। मैं इसे अभी कैसे बताऊं? ये गांव वालों ने मुझे इंस्पेक्टर अजय कुमार समझ लिया है। ठीक है डॉक्टर, मैं फिर आऊंगा। ठीक है। देवा, शायद यही एक रास्ता है जिससे तू अपने मास्टर जी के हथियारे को ढूंढ सकता है। तुझे मौका भगवान ने दिया है देवा, इसे मत खोना, इसे मत खोना। अरे मदन सेठ साहब। ठीक है, कहाँ गया है वो जो नया इंस्पेक्टर है? जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो, किधर है रे साला, कहीं मेरे डर से भाग तो नहीं गया? तू ही नया ऑफिसर है, तूने ही मेरे आदमियों को मारा। आदमी? उनमें से तो मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आया, सब के सब गधे थे और गधों की तरह पीटे गए। तुम उनके लिए आए हो? उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ। अपना सामान समेटो और चलो, तुम्हें भरतपुर की सरहद तक छोड़ आता हूँ। कुछ सोचो मत, अभी भी दिन है, रोशनी है, चले जाओ, जिंदा घर पहुंच जाओगे, वरना भरतपुर की पहली ही रात को मैं तुम्हारे लिए भयानक बना दूंगा। और अगर अभी इसी वक्त तुम पुलिस थाने से बाहर ना निकले तो भरतपुर के दिन को ही मैं तुम्हारे लिए भयानक बना दूंगा। तू? हाँ मैं। मर गए, शांति शांति। मैं इसे हमेशा के लिए शांत कर देता हूँ। इंस्पेक्टर हो तो ऐसन ही हो। कौन है ये? शुभ लगन मुहूर्त लेकर आया था यहां से मेरी विदाई का। नादान है, अब काहे खड़े हो जाओ? और सुनो, कभी समय अवसर देखकर साहब से मिल लेना और आज जो कुछ भी यहां हुआ है उसको सेटल कर देना। जाओ। एकदम बकलोल है सरवा, पानी में रहकर मगर से दुश्मनी करता है। अरे जाओ ना, काहे खड़े हो, जाओ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव भरतपुर आपका स्वागत करता है। आपके गांव का स्वागत मुझे पसंद आया। भाई गजराज चौधरी तो किसी के यहां आता जाता नहीं है, मगर जब मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं तो आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया, हमने भी तो जाना कौन कौन भले लोग हैं जो पुलिस का भी ख्याल रखते हैं। भाई यही तो बात है, जब हम पुलिस का ख्याल रखेंगे तभी तो पुलिस हमारा ख्याल रखेगी। आखिर पुलिस भी जनता की सेवा करने के लिए ही है ना। चौधरी साहब, इस बात की आप गारंटी समझिएगा, मैं जिसकी भी सेवा करूंगा खूब अच्छी तरह से करूंगा। एक बात है इंस्पेक्टर, ये हमारा गांव तुम्हारे लिए नया है। गांव में कुछ रास्ते गलियां टेढ़े मेढ़े जो अंधेरे से होकर गुजरते हैं,
उन रास्तों में तुम भटक न जाओ, इसलिए अपना रास्ता हमसे पूछ लिया करना। नहीं चौधरी साहब, मेरे भटक जाने का कोई चांस नहीं। मैं जिस काम के लिए आया हूं, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये अंधी गलियां खुद मुझसे पूछेगी, बता तुझको जाना कहां। वाह इंस्पेक्टर साहब, अच्छा तो हम चलता हूं, अगली मुलाकात में अच्छी तरह से जान पहचान हो जाएगी। नमस्ते चौधरी साहब, इसी मुलाकात में मैं आपको जान भी गया और पहचान। आप तो बादलों की तरह हैं जो अपनी बिजली को ठंडे पानी में छुपाए रखते हैं। हुजूर, चलो हमें नाइट राउंड मारना है। इतनी रात को हुजूर? क्यों? इस इलाके में पुलिस वाले को रात को बाहर जाने का हुक्म नहीं है हुजूर। किसका हुक्म है? कौन है वो लोग जो पुलिस को हुक्म देते हैं? वही लोग हुजूर जो रात के मालिक हैं। मेरी छोटी मुंह से उनका बड़ा नाम कैसे लूं हुजूर? रात को सिर्फ निशाचरी नहीं, देव भी निकलता है। मुझे एक आदमी का पता लगाना है, चलो मेरे साथ। जी हुजूर। अब तो रात भर ड्यूटी देना पड़ेगा, कहां फंस गए हैं। चलिए हुजूर। माफ कीजिएगा, मैंने इतनी रात गए आप सब लोगों को सिर्फ इसलिए जगाया कि आप सबको यह पता चल जाए कि आप यहां भी कानून आ गया है और यहां के गैर कानूनी काम करने वाले होशियार हो जाए। अभी आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाकर सो जाइए। जाइए जाइए। एक मिनट। यहां सब घरों में रोशनी है, यहां अंधेरा क्यों? क्या कोई रहता नहीं? रहता है ना साहब, ये मास्टर वासुदेव जी का घर है, उनकी विधवा पत्नी यहां रहती हैं। वो साहब, वो मास्टर जी का किसी ट्रक ड्राइवर के हाथों खून हो गया था ना। इनका कोई और नहीं है? है ना साहब, उनका एक लड़का भी है, किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ है। सब रात बहुत हो गया, चलिए चलते हैं, कल आके पूछताछ कर लेंगे। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। माँ, माँ। रोहित, तू आ गया बेटा? आया तो आप ही का बेटा माँ, मगर मैं रोहित नहीं हूँ। ओह, घर में इतना अंधेरा क्यों है माँ? बस इस घर की रोशनी किसने बुझा दी है? रोहित कहाँ गया माँ? अपने बाप के हत्यारे को ढूंढने। ठीक है, जब तक वो मेरी ड्यूटी करने गया है तब तक मैं उसकी ड्यूटी करूंगा। जिस माँ ने अपने बेटे को सिपाही बनाकर जीवन युद्ध के संग्राम में भेज दिया हो, उसे अपनी आंखों से नहीं रोना चाहिए। कौन?
कौन है रे तू? तू तो पुलिस वाला नहीं लगता। मां के सामने कैसे कह सकता हूं कि मैं पुलिस वाला? मैं तो सिर्फ तुम्हारा बेटा हूं। खुली आंखों से इस बेटे को देखना और बंद आंखों से उस बेटे को। एक्सक्यूज मी, क्या आप बीएन ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिसर हैं? हाँ, लेकिन क्यों? जी मेरा नाम रोहित है और मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। बैठिए। हाँ कहिए। 29 मई को रात 11:15 के बीच गोवा एक्सप्रेस हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी दौरान आपके भी कंपनी के ट्रक्स वहां से गुजरे थे। उसी के बारे में पूछताछ करने आया। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। उस हत्यारे को ढूंढने की जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है, उससे कई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि वो मरने वाले मेरे पिता थे। ओह, आई एम सॉरी। कहिए, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस रात हाईवे से 117 ट्रक गुजरे थे, रात 11:15 के बीच। 114 ड्राइवर से मैं मिल चुका हूँ, जो मेरे पिता की हत्या की जिम्मेदार नहीं। बाकी रही 3, रामदीन, सावंत और देव प्रकाश, जो आपके लिए काम करते हैं। हाँ, वो लोग यहाँ काम जरूर करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वो तीनों यहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए। कहाँ गए? उनका पता ठिकाने तो होगा आपके पास? यस, आई हैव। अभी देता हूँ। उनका एड्रेस है 1399 बी टैंक रोड, पंजिम, गोवा। लेकिन ये तो वो तीनों इसी एड्रेस पे पहले एक ही साथ रहते थे। थैंक यू। अरे बस 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 सपना, बस भी कर यार, इस नए शहर में और भी चीजें देखनी बाकी। तो ठीक कहती है, लेकिन काजल कहाँ है? वो रही काजल, चल देखते। हाँ चल चल। मैडम स्केटिंग शुरू करें? मैं खुद करूंगी। अरे काजल, ये क्या कर रही हो? यहाँ अकेले स्केट करना खतरनाक है। डोंट वरी बेबी, खतरनाक खेल खेलना ही तो काजल दी ग्रेट का शौक है। अरे काजल बाय। कुछ नहीं हुआ बाबा, मैं ठीक हूँ। ये रहा आपका बैग। वाह क्या हिम्मत है। अरे वो कहाँ गया? अरे आप, थैंक गॉड आप मिले। मैंने आपको कितना ढूंढा। क्यों, कोई काम था? काम तो बाद की बात है, पहले आपको थैंक यू जो देना था। किस बात का? आपने अपने आप को खतरे में डालकर मेरी जान जो बचाई। अरे नहीं नहीं, वो इतना बड़ा खतरा नहीं था जिसके लिए आपको थैंक यू खर्च करना पड़े। क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा थैंक यू बहुत कीमती है? अनमोल। फिर तो थैंक यू की ड्यूटी पूरी हो गई।
आप यहाँ कितने दिन तक रहने वाले हैं? दिन नहीं, सिर्फ आज की रात। अच्छा। मैं पूछना भूल गया, आप कौन से फ्लोर पर जा रही हैं? सातवां आसमान। सेवन फ्लोर। अरे लाइट चली गई। तो क्या हुआ, फिर आ जाएगी? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। क्यों? मैं जाऊँ तुम्हारे साथ? साथ रहने से क्या होगा, पास तो आइए। पास में तो हूँ, बस एक मिनट में लाइट भी आ जाएगी। ये एक मिनट कितनी देर का होता है? अगर अंधेरा हो तो एक मिनट बहुत लंबा होता है। आपकी बातें कितनी अच्छी लगती है। आप भी तो अच्छी बातें करती है। अरे काजल, अरे आप, हम तो डर गए थे। क्यों? क्यों, लिपचो बंद हो गई थी। अरे लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? हाँ सही कहा, इसमें डरने की क्या बात है, ये जो साथ में थे। क्यों काजल? अब तुम लोग यहाँ खड़े रहकर बात करोगी? चलो अंदर चलो। बाय। सुनिए, वो लड़की कहाँ है? कौन? वो जो मेरे साथ लिफ्ट में थी। हो गई छुट्टी, एक मिनट का जादू ऐसे चला कि आप उसका रूम तलाशने लगे। देखिए, उसका कुछ सामान मेरे पास रह गया है। सामान? जी। कैसा सामान? सुनिए काजोल, ये जी वो आपका बैग। ये मेरा है। ये आपका बैग। थैंक यू। वो मैंने बैग खोला तो मुझे पता लगा कि आपका बैग है। ओके, थैंक यू। हाय, बैग क्या बदला? हमारी तो काजल ही बदल गई। मालूम नहीं? अरे नहीं यार, बदली नहीं, निखर गई है। ये गालों की लाली, ये चेहरे की दमक, ये आँखों की चमक, हाय कितना प्यारा बदलाव आया है। काश हमारा बैग किसी से बदल जाता। काजल बैग तो खोल कर देख ले, कहीं उसने सामान के साथ अपना दिल तो नहीं दे दिया। अरे हाँ। oh, shut up. मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। चलो आउट आउट आउट। अरे सुन तो काजल। चलो उठो काजल, तुम भी यार सुन ना। चलो भाग जाओ। अरे यार क्या हुआ है तुझे, मैं तो तेरे साथ ही हूँ ना। काजल क्या है? लड़के में कुछ बात तो जरूर है। उसने अपनी जान जोखिम में डाल के तुझे बचाया और बदले में तेरा दिल यूं ले उड़ा। सुमन मालूम क्यों? काजल अगर नींद आ जाए तो सपने में उससे मिलकर अपने दिल की बात कहना भूलना मत। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।
से मिलना बहुत जरूरी है। मेरे दिल में तुम्हारी चाहत है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। जिंदगी को गुजारने के लिए
काजल जी। यू आर राइट, बोलिए। आपकी पायल मेरे पास रह गई है। सिर्फ पायल ही या और कुछ भी? जी नहीं, सिर्फ पायल। मैं अभी आपके पास लेके आता हूँ। नहीं नहीं, उसे आप अपने पास ही रहने दीजिए। पायल की रुंझुन में आपको वो सुनाई देगा जो मैं आपसे न कह सकी। किसका फोन था? उसी का जिसे तुम अपनी पायल दे आई हो। पायल? फोन में किसको दे आई? जिसे बैग के बदले में अपना दिल दे दिया। ओ वो। ये सांप कहाँ गए? वो तो अभी अभी चले गए मैम साहब। चले गए जी। मुझे जाने दो। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। आज तो रोहित आया होगा। रोहित, 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 कहाँ गया? रोहित, रोहित। तो आ गया। हाँ माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही है। अपने पिता के कातिल को पकड़ के लिया है बेटा? नहीं माँ, उसकी चिता बन रही है। उसको उसकी चिता बनने तक जिंदा रहने की मोहलत दी गई है। चिता बनते ही वो दुनिया की पहली लाश होगी जो खुद चलकर अपनी मरघट तक पहुंचेगी। ठीक कहता है, मौत के दरिंदों को उसी शमशान घाट में ले जाकर मारूंगी। रोहित, तू डरना नहीं रे, तू अकेला नहीं है। यहाँ एक पुलिस वाला है, लगता है वो हमारे लिए आया है। तो चुप क्यों है? ओह, तुम मैं नहीं समझी। नहीं, मैं समझी कि मेरा बेटा रोहित है। मैं ऐसा क्या करूं माँ जो तू मुझे बेटा मान लेगी? तुझे कुछ नहीं करना होगा, तू तो मेरा बेटा है ही। तू अपने जीवन का मकसद जरूर पूरा करेगा। तू बहुत काबिल है रे। अगर मैं काबिल नहीं भी हूं, तुम्हारा विश्वास मुझे काबिल बना देगा।
अरे साहब, आप तो ईद के चांद बन गए। क्या हुआ? बड़े साहब अंदर बैठे हुए हैं। कब से? सुबह से। बहुत खफा है, बार बार आपका ही नाम ले रहे हैं जी। सर, मैंने ये वर्दी पर कोई दाग नहीं लगने दिया। जहां तक इस वर्दी का इलाका है, कोई गुनाह होने नहीं दिया। गुनाह हुआ है। कैसा गुनाह? एक ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। क्यों, ये इल्जाम सही है ना? तुम यहाँ? और कहाँ जाती? रिपोर्ट लिखवाने। कैसी रिपोर्ट? रिपोर्ट ये है कि एक पुलिस ऑफिसर ट्रक ड्राइवर बना और मेरे दिल को उस ट्रक पर लौट गया और फरार हो गया। जल्दी से उसे खोजिए, नहीं तो मेरे दिल का एक्सीडेंट होने वाला है। तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? हवलदार जी, पर तुम यहाँ आई कैसे? मर गए। जाने मन, मोहब्बत होती तो अंधी है मगर अपने दिलबर का ठिकाना ढूंढी लेती है, सो मैंने ढूंढ लिया। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। लेकिन आप यहाँ से दफा हो जाओ। हम यहाँ से दफा नहीं होंगे, हम इस थाने की छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे, फरियाद है, फरियाद है। इस कानून के घर में हमारी मोहब्बत बर्बाद है, बर्बाद है। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम दारोगा बाबू कि लड़की को किस तरह चुप कराया जाता है? कैसे चुप किया जाता है? चुप कराने के लिए मुंह पे मुंह रख दो बस। चुप। शर्माने लगा, शर्माने लगा। चलो निकलो, निकलो। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं तो तुमको ब्लैकमेल करूंगी। हम ये बात नाच गाकर बताएंगे। मैं तो ये बात घर घर जाके कहूंगी। क्या? चोरों को पकड़ने वाला खुद मेरा दिल चुरा कर बैठा है। क्या? चुरा के दिल मेरा दरोगा चला। ये लीजिए आपकी 50 की पत्ती, नहीं तो अपना पत्ता कटने वाला है। थाने में आकर अपने हवलदार को घूस? क्यों, कम है क्या? अरे जालिम, कहकर तो देखो हम क्या नहीं दे सकते हैं। बकवास बंद करो, चलो निकलो, चलो। तेरी शर्ट भी सेक्सी, तेरी पैंट भी सेक्सी, तेरा भी सेक्सी है। सच कहता हूँ मदन बाबू, अगर एक मौका हमको मिल गया ना तो नया इंस्पेक्टर बाबू को हम छोड़ूंगा नहीं। बहुत मारा था हमको मदन बाबू, बहुत मारा था। एक मौका हमको दे दो मदन भैया। कौन हो तुम लोग मेरे घर में? जिस घर में कोई ना हो वहाँ सांप आ जाते हैं। कोई ना हो मतलब? तुम्हारा मर्द मर गया है और बेटा भी कहीं गया है, तुम अकेली हो। गांव की अकेली औरत का मालिक ये मदन होता है। मेरे पति नहीं है, मेरा बेटा बाहर गया है। मैं इस घर में अकेली औरत हूँ, फिर भी तू इतना कायर है कि मुझसे बात करने की हिम्मत, तू इन दारू की बोतलों से उधार मांगता है। निकल जा, निकल जा यहाँ से। कहाँ जाऊँ? सुना है दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ी थी तो कृष्ण भगवान आ गए थे। सोचता हूँ आज मैं तुम्हारे साथ उतना ही पाप करूँ कि किसी भगवान का अवतार ही आ जाए। तुम जैसे मच्छरों को मारने के लिए देवता के अवतार की जरूरत नहीं है। उसके लिए माँ का बेटा ही काफी है। Yeah.
अच्छा हुआ बेटे को माँ के सामने इम्तिहान देने का मौका मिल गया। अब तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ माँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो जरूर पूरा करूंगा, है ना? हाँ रे, ईश्वर तेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगा बेटा। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, कहाँ जा रहा है? दरोगा जी, दरोगा जी, रानी बीबी बहुत तड़प रही है। क्यों? उसके दिल में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। तो जाओ किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। उसी के पास तो आई हूँ। ना जादू ना टोना, ना पंडित ना ओझा, ना दवाई ना डॉक्टर, उसके दिल का इलाज तो सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आप। अरे तो जाते क्यों नहीं? नहीं जाऊंगी। देखो अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं FRI दर्ज करा दूंगी, मैं कमिश्नर को टेलीग्राम भेज दूंगी। आप चलो ना मेरे साथ, आओ चलो। तू हट। अरे गाड़ी रोको 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 रोको। अरे अरे वो देखो कितने जोर से चिल्ला रही है। वो चिल्ला रही है। अरे वो आगे, वो आगे है। अरे वो आगे रे। अरे तू तभी तड़प रही थी। तड़पे तो रही हूँ जालिम। ये तो उस दिन से तड़प रही है जिस दिन से तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था गाड़ियों का। हाँ उसके बाद ना खोज ली ना खबर ली, ना दिल का हाल पूछा, दर्द तो गायब हो गया। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दबा देना। नौटंकी वाले ए देखो, आज के बाद अगर तुम लोगों ने पुलिस वाले का टाइम खराब किया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। अच्छा तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा टाइम से मोहब्बत हो गई है। अरे मुरे राजा, दिल को लगाकर मेरी जान से दिल लगी ना कर, नहीं तो अपनी जान दे दूंगी। हाँ तुम लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हो। जब तक हवालात की हवा नहीं खाओगी ना, दिल से मोहब्बत का भूत नहीं उतरेगा। चलो गाड़ी में बैठो। चलो गाड़ी में बैठो, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम दोनों गाड़ी में अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे अच्छे से बैठ जाओ। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दबा देना। जाओ जाओ, मुझे ऐसा लगा तुम दोनों हनीमून पे आए हो। खामोश। Thank you.
नहीं आऊंगा कभी ना तेरी बातों में दीवानी। जिया को जलाए कहे करे छेड़खानी आऊंगा कभी ना तेरी बातों में दीवानी। पास आया तो पता है फंस जाऊंगा रानी जादू है छुपा तोहरी नजरिया मां। पास आया तो पता है फंस जाऊंगा रानी जादू है छुपा तोहरी नजरिया मां। बचके कहा तो ऐसे जाएगी तो है सीने से लगा लूंगा कोठरिया माँ रानी। बचके कहा तो ऐसे जाएगी तो है सीने से लगा लूंगा कोठरिया माँ। कैसे बैठो तो हरी मोटरिया टुकुर टुकुर देखेंगे आके बैठ जा मोरी मोटरिया मालो देखे तो देखे बचरिया माँ। मालिक इसमें चंदन है, इसमें गुलाब जल है मालिक, इसमें इत्र है मालिक। ओम स्वाहा। पहले वो लड़के को चंदन और गुलाब जल से नहलाओ, फिर पूरे बदन पर इत्र लगाए के हमरे लिए तैयार करो। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने सूरज को चंदन की तरह मसल कर एक कुंदन सा जिस्म बनाया है। तनिक आंखें खोलो सुंदरी, इनमें हम अपने सपनों की ताबीर देखना चाहता हूं। इन आंखों में मजबूरी के आंसू है गजराज बाबू, मुझ बेसहारा पे तरस खाइए, मुझे अपनी हवस का शिकार मत बनाइए गजराज बाबू, मत बनाइए। हम का करे सुंदरी, मजबूरी है, नारी निकेतन में आई हर लड़की की नई तकदीर हम का लिखनी पड़ती है ना। आप लोग बता सकते हैं ये लड़की इस गांव की है कि नहीं? नहीं सर। साहब इस लड़की को मैंने एक दिन नारी निकेतन में देखा था, मैं वहां दूध देने जाती हूँ।
तारीनी के तन। मैं बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी। रेखा मेरी सहेली थी, मैं चुप नहीं रह सकती। पागल जैसन मत बनो, हमारी बात समझा करो। जो हालत रेखा की हुई है ना, वो तो हार भी हो सकती है, समझी? अभी यहां इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, तुम कुछ भी। आवा आवा इंस्पेक्टर साहब, हम आपका ही काम कर रहा था, आवा। तुम सब रेखा को जानती थी, तुम में से किसी को पता है रेखा क्यों मरी? तुम में से कोई लड़की जरूर होगी जो रेखा की खास सहेली होगी, जो रेखा की मौत पर रोशनी डाल सकती है। तुम हो वो लड़की। तुम्हारी आंखों ने अभी अभी रेखा को याद किया। सीमा तो गूंगी है इंस्पेक्टर साहब, ये कुछ बोल ना ही सकती। पुलिस को मालूम है गूंगे कैसे बोलते हैं, बोलो। अरे अरे अरे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इसे अंदर ले जाओ, जाओ जाओ जाओ, तुम लोग भी जाओ, चलो 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 अंदर। ये नारीनी के तन आप चलाते हैं? अजी चलाते कहाँ हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च करके मुसीबत की मारी औरतों की मदद कर देते हैं। चौधरी साहब, आपके इस नारी निकेतन में सबके सब मुसीबत की मारी जवान और खूबसूरत लड़कियां क्यों हैं? एकर जवाब तो भगवान ही दे सकत है, जो लोगन का सुख दुख बांटत है। चौधरी साहब, आपके पास तो कोई ऐसा रजिस्टर होगा ही जिससे ये पता चल सके कि आपके इस नारी निकेतन में इतने वर्षों में कितनी लड़कियां यहां आईं और यहां से कहां गईं? नहीं, ऐसा कोनो रजिस्टर नहीं। पर आपके पास इसका रजिस्टर तो होगा ही कि कितनी लड़कियों ने कुएं में कूदकर अपना उद्धार किया, कितनों को नदी तालाब में मुक्ति मिली और कितनी गायब हो गई। इंस्पेक्टर साहब, हम तो सिर्फ पैसा खर्च करता हूं, इनारी निकेतन चलाने का काम तो वासुदेव राय देखते थे, जिनकी किसी ट्रक ड्राइवर के हाथों मौत हो गई। मैं आपको 15 दिनों का वक्त देता हूं, इन 15 दिनों के अंदर मुझे इस नारी निकेतन की हर लड़की का आता पता चाहिए, सिर्फ 15 दिन। ओम स्वाहा। इंस्पेक्टर ने अपनी उम्र तय कर ली, सिर्फ 15 दिन। कहाँ जा रहा है? अरे ये तरकीब अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, जब देखो डंडा लेके खड़ा रहता है। मुझे अंदर जाने देना। क्यों जाने दूं? कान इधर ला। इमरजेंसी की बात है, अंदर जाने देना। नहीं जाने दूंगा, बोलो ना। कैसे नहीं जाने देगा? मैं डंडा छीनूंगी। दरोगा बाबू, खून 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 हो गया, मैं कह रही हूँ ना, खून हो गया, मर्डर हो गया दरोगा बाबू, खून खून। अरे फिर तू आ गया, जरूर कोई नया झूठ लेकर आया है, क्या हुआ? जल्दी चलो, नहीं तो रानी बेबी अपना खून कर लेंगी। क्यों? ये तो आप खुद ही जाकर उनसे पूछ लो, अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी ना तो आपको रानी बीबी नहीं उसकी लाश मिलेगी। हाँ, हाँ। चलो। देखो देखो देखो, बेचारी तुम्हारा इंतजार बर्दाश्त ना कर सके और फांसी लगाकर मोहब्बत के नाम पर अपनी जान कुर्बान करते। वाह वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अरे क्या मौत हुई है, भगवान मौत दे तो ऐसी मौत दे। बड़े कठोर हो, पत्थर दिल निर्मोही,
रानी के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे अरे मैं कर भी क्या सकता हूँ? कर सकते हो, पता एक बार एक तांत्रिक ने रानी से क्या कहा? कहा कि रानी रानी हो सकता है कि लाइफ में एक बार तुम्हारी टेम्पररी मौत हो, लेकिन अगर तुम्हारा आशिक तुम्हारी लाश के सामने अपने सच्चे प्रेम की कसम खाए तो तुम वापस जिंदा हो सकती हो। चलो कसमें खाओ, वादे करो, अभी तक रानी की जान स्वर तक नहीं पहुंची होगी। चलो कसमें खाओ ना, खाओ। अरे इस घुंघरू वाली की जान इसके पांव में है। क्यों जिंदा हो गई? तुम्हारी कठोरता के बाद तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। चलो उतारो ना मुझे। तुम हमेशा नौटंकी क्यों करती हो? बस तुमको खुश करने के लिए। देखो मुझे खुश करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं यहाँ जिस मकसद के लिए जी रहा हूँ उसके कदम कदम पर खतरा है, और मैं तुम्हें उस खतरे में डाल नहीं सकता। कोई अच्छा लड़का देखकर अपना घर बसा। अगर मुझे किसी और के साथ घर बसाना होता तो मैं आज तक कुमारी नहीं रहती। मेरी नजरों ने पहली बार किसी को प्यार से देखा है। अपने खतरनाक मकसद में हमको भी शामिल होने दो, फिर देखना हम क्या कर सकते हैं। सोचो मत, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि मोहब्बत क्या कर सकती है। ठीक है, तुम दोनों नारी निकेतन जाओ और वहां जाकर आओ। अरे मदन बाबू, आप कैसे तकलीफ की आने की? कमला, ये रानी जी हैं और ये नटखट। हाँ, ये लोग आज से यहीं रहेंगे, गजराज बाबू ने भेजा ही नहीं। ये भी इनके साथ ही रहेगा? हाँ, क्योंकि रानी जी इनके बगैर नहीं रह सकती, और गजराज बाबू ने कहा है कि इनका खास ख्याल रखने के लिए। समझ गई ना? हाँ हाँ समझ गई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। गंजू जी, हा? क्या समझाया आपने इनको? अबे चुप, कमला मैं चलता हूँ। आओ मेरे साथ। अरे गंजू जी, गंजू जी, गंजू जी, गंजू जी, गंजू जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है? ओई माँ, नहीं है। तो फिर आप भी मेरे साथ रहिए ना, खूब मजा करेंगे। अबे चुपचाप जाता है वरना। माँ कितना कठोर है गंजू गैंडा। लो माँ दवा खा लो। मुझे क्या हुआ है जो मैं दवा खाऊं? आप बीमार हो माँ। मेरी बीमारी का इलाज कुछ और है, दवा नहीं। जानता हूँ माँ, वो दवा तो रोहित लाने वाला है। वो लोग तो खूनी थे जिन्होंने मेरे पति को मार डाला, लेकिन मैं क्या कम खूनी हूँ जो आपने बेटे को हुक्म सुना दिया कि जा मौत को पकड़कर मेरे सामने लिया, तभी मेरे दूध की कीमत अदा होगी। भाग्यशाली है वो बेटा जिसे ऐसी मां मिलती है और ऐसा हुक्म देती है। मुझे रोहित को अकेले कातिल के पीछे नहीं भेजना चाहिए था। अजय वो अकेला कहाँ है माँ? उसके साथ माँ का आशीर्वाद जो है, उसके रास्ते की हर दीवार टूट जाएगी। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब आवा, हम अपना बिन बुलाए मेहमान का भी स्वागत करता हूँ। ये वर्दी कहीं जाने के लिए किसी निमंत्रण का इंतजार नहीं करती चौधरी साहब। फिर भी यहाँ कहकर आना चाहिए था, क्योंकि हमरी हवेली में बहुत ही खूंखार मांसाहारी कुत्ते पलते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं कुत्तों को नहीं मारता। कहिए, काहे तकलीफ किया? कल रात मास्टर जी के घर को ट्रैक्टर से तोड़ने की कोशिश की गई थी। अरे, ये सुनकर तो बहुत तकलीफ हुआ। उनमें से एक ट्रैक्टर आपका भी था? अरे, हमारा ट्रैक्टर तो कोई भी भाड़ा देकर ले जा सकता है। आपका ये कोई भी जो भाड़ा दिया, ट्रैक्टर लिया, वो कौन था? अरे, कौन याद रखता है ग्राहकों का नाम इंस्पेक्टर साहब। भाड़ा गिना, जेब में डाला, बस। ओ इंस्पेक्टर साहब, मास्टर जी का घर तो टूटेगा और बन भी जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उनके कातिल को पकड़ा जाए और उसको सजा दिलाई जाए। हमारे ख्याल से मास्टर जी के केस की अभी तक पुलिस ने कोई फाइल ही नहीं बनाई है। मास्टर जी के केस में ना फाइल, ना वकील, ना दलील, ना जिरा, ना बहस, ना गवाही, ना सबूत। सीधा जजमेंट होगा, जिसकी कहीं कोई अपील नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल अनजान जगह पर मर्डर हुआ है। हमारे ख्याल से कातिल का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। मेरी नजर गन के बैरल ने जिस कातिल की तलाश शुरू कर दी है, वो कातिल अपनी कब्र से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे उस ग्राहक का नाम चाहिए जिसने कल रात आपका ट्रैक्टर भाड़े पर लिया था। अब चलता हूं, फिर आऊंगा बिन बुलाए, जैसे मौत आती है। उनतीस मई? हाँ, मैं और सावंत गोवा ट्रांसपोर्ट का माल लेकर 10:15 बजे के करीब निकले थे। हमारे कुछ देर बाद देवा यानी देव प्रकाश निकलने वाला था। क्यों? इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? बता नहीं सकता। 2 महीने पहले भरतपुर जाने के लिए कह रहा था, उसके बाद नहीं मिला। उसका हुलिया बता सकते हैं? हाँ, 6 फुट कद, सांवला गेहूं रंग, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम हीरो के माफिक लगता है। क्या काम उससे? ये तो मैं उसी को बताऊंगा। थैंक यू। टिकट, टिकट। अरे चोर, मेरा सामान लेके भाग गया। अरे बाप रे, देखिए 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 भाई साहब, ये आदमी गलत बोल रहा है। अरे अरे देखो भाइयों, इसको पुलिस चौकी ले चलते हैं। जब इसे पुलिस की मार पड़ेगी ना, तो बराबर कबूलेगा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुनो यार। इसे मत छोड़ना, यही चोर है, आज बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। काजल, ये क्या बकवास करिए? देखिए, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मेरा नाम रोहित है और मैं इनको जानता हूँ। काजल, ये क्या मजाक है? मजाक? ये क्या है? तुम्हारी पायल। फिर तुमने कैसे कहा कि तुमने चोरी नहीं की? ठीक है, मैंने चोरी की है, अब तो तुम्हें तुम्हारी पायल मिल गई है। चलता हूं। चोर चोर चोर
मचाए शोर, बांध लेना दिल की डोर, दूर नहीं जाएगा यार कभी यार से। खुश हूँ कि मैं, लेकिन तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? अब मुझे अपने गांव का भी पता पूछना पड़ेगा क्या? तुम्हारा गांव? हाँ, और तुम? मैं इस गांव के जमींदार गजराज चौधरी की बेटी हूँ। तुम कज्जो? मैं माशी का लड़का। रिको, कमान है, तुम कितने बड़े हो गए, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। और पहचानते भी कैसे, तुम बचपन में अपने दोस्त को छोड़ के चली गई थी। आप कभी नहीं बिछड़ेंगे। रोहित बेटा। माँ तुम? तू लौटा है बेटा, फिर तो अपनी माँ से क्यों नहीं मिल आया? क्या तू अपने घर का रास्ता भूल गया है? ये तुम क्या कह रही हो माँ? मेरी जिंदगी के एक किनारे पे तुम हो और दूसरे किनारे पे वो हत्यारा जिसकी तलाश आज भी अधूरी है माँ।
मैं क्या मुंह लेके तेरे पास आता? तुझे दिया वो वचन आज भी पूरा नहीं हुआ। तेरा वचन जरूर पूरा होगा। तेरे पिता का कातिल तेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाएगा, मेरा ये विश्वास है बेटा। मां, विश्वास तो मुझे भी है और यही विश्वास मुझे इस गांव ले आया है। मुझे पता लगा है कि पिताजी का कातिल इसी गांव में है। इसी गांव में? हाँ मां, बस अब उस कातिल को लाकर तुम्हारे चरणों में डालना, और जब तक ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती मैं घर वापस नहीं आऊंगा। मां, रोहित, 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 ये भगवान, ये कैसी प्रतिज्ञा है, ये कैसी प्रतिज्ञा है जिसने माँ और बेटे को एक दूसरे से दूर कर दिया। ये फासला खत्म हो जाएगा बेटा, मैं जल्दी उस हत्यारे का पता लगा लूंगा। उसका पता चल चुका है। कौन है वो? वो यहीं पर है। यहीं पर? हाँ चौधरी साहब, जिस ट्रक ड्राइवर ने मेरे पिता की हत्या की थी उसका नाम देवा है। का 6 फुट, सांवला रंग, कुछ 25 या 30 साल का आदमी, जो 2 महीने पहले इसी गांव में आता हुआ दिखाई दिया। पापा, ये इलाका आपका है, अगर इस तरह का कोई भी आदमी यहाँ पर आया हो तो वो आपकी नजरों से बच नहीं सकता। प्लीज इनकी हेल्प कीजिए ना। अरे हेल्प नहीं बेटी, ये तो हमारा फर्ज है। अरे तुम नहीं जानते हो मास्टर साहब हमारे लिए का थे। मिल गया वो कातिल। कौन है वो? उही रंग, उही कद, उही उम्र। वो तो हमका पहले से ही बहु रुपया लग रहा था। पर वो है कौन? वो सर्वा हमारे गांव में इंस्पेक्टर का रूप धर के थाना इंचार्ज बनकर आया है, और ओकर नाम है इंस्पेक्टर अजय। इंस्पेक्टर? यस। मैं रोहित हूं, इसी गांव का रहने वाला हूं। अच्छा अच्छा, मास्टर साहब के लड़के, बैठो। मुझे बहुत अफसोस है कि मास्टर साहब की हत्या कर दी गई। पुलिस सिर्फ इस बात का अफसोस करे कि पुलिस ने अभी तक कातिल को पकड़ा नहीं। पकड़ लेगी। कोई सुराग, कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ मिला? अगर आप सचमुच तलाश कर रहे हो तो पुलिस को कोई जरूरत नहीं कि वो कुछ बताए। हाँ, अगर आपको कुछ पता चला हो तो आप पुलिस को बताइए। ये खून किया एक ट्रक ड्राइवर देवा। वही ट्रक ड्राइवर जो मास्टर जी को हॉस्पिटल ले गया था? जी, जो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। अगर देवा मास्टर साहब का खून करता तो वो मास्टर साहब को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल नहीं ले जाता, जहां उसकी शनाख्त होनी आसान थी। ये पुलिस का ख्याल है। मेरे ख्याल से मेरा पिता का कातिल है देवा। उम्र आपकी, रंग आपका, शक्ल सूरत आपकी, ये समझ लीजिए कि हूबहू आप। 2 महीने पहले इसी गांव में आता हुआ दिखाई दिया। अगर इसी शहर में मैंने कभी अपनी तरह का कोई आदमी देखा तो उसे जरूर अरेस्ट कर लूंगा। पुलिस कुछ करे ना करे, मैं अपने पिता के कातिल का पता लगा कर रहूंगा, चाहे वो जिस शक्ल में हो, जिस पोजीशन में हो, जिस पोशाक में हो। कातिल की तलाश में मैं आपके साथ हूं। अपने बाप के कातिल की तलाश में मैं जानता हूं मैं अकेला हूं। हाँ इंस्पेक्टर, याद रखिएगा, कातिल आप ही की तरह कोई। अरे आ जे, आ जीत रहे। मालूम है रोहित आया था? मालूम है। वो कह रहा था उसके बाप का कातिल इसी गांव में है। शायद वो सच कह रहा था, और उसने तो कातिल की शनाख्त भी कर ली है। कौन? मेरी तरह से कोई है। मैं थोड़ी उलझन में आ गया हूं। सोचता हूं इस गांव में मेरी तरह तो सिर्फ मैं ही हूं। सिर्फ इस गांव में नहीं, सारी दुनिया में तेरी तरह का बस सिर्फ एक तू ही है। तब तो मुश्किल है मां।
आज मैं शनाख्त के घेरे में हूं, कल रोहित की शक की उंगली मेरी तरफ भी उठ सकती है। क्या बात कर रहा है तू? रोहित मेरा खून है, वो ये नहीं सोचेगा कि जो उसकी माँ का रक्षक है वो उसके बाप का कातिल हो ही नहीं सकता। चल पकड़, आरती कर। काजल, काजल तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो क्या है कि मैं आज ही, मैं जानती हूँ कि तुम शहर जा रहे हो, मगर क्यों? इसलिए क्योंकि जो कुछ मेरे पिता के हत्यारे के बारे में बताया गया, ये इंस्पेक्टर बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इस तरह के और आदमी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इंस्पेक्टर की यहाँ आने से पहले पोस्टिंग कहाँ पे थी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जाके क्या करोगे काजल? तुम्हारे बिना मैं यहाँ भी क्या करूंगी? देखो काजल, जिद मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। Thank you.
एक्सीडेंट्स के तमाम केस लोकल पुलिस स्टेशन के अंडर आते हैं। मैं गोवा चेक नाका के ऑफिसर के नाम तुम्हें खत लिख देता हूँ, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से मिल जाएगी। जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो आप ही दे सकते हैं सर। व्हाट डू यू मीन? सर मैं जानना चाहता हूँ कि भरतपुर में पोस्टिंग होने से पहले इंस्पेक्टर अजय कुमार कहाँ पे थे। लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहते हो? सर जिस आदमी के हाथों मेरे पिता की हत्या हुई है उसकी शक्ल इंस्पेक्टर अजय कुमार से मिलती जुलती है। जानते हो तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो। मेरा इल्जाम बेबुनियाद नहीं है सर। मैं लगातार 4 महीने से अपने पिता के हत्यारे की तलाश करते हुए इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 29 मई की रात 11:15 के बीच हुई मेरे पिता की हत्या से इंस्पेक्टर अजय कुमार किसी न किसी तरह जुड़े हुए सर। 29 मई? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि 29 मई की रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक इंस्पेक्टर अजय मेरे घर पर था। उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। इत्तेफाक से वो फोटोग्राफ्स भी यहाँ हैं। ये देखो अजय मेरे साथ खड़ा है। ये इंस्पेक्टर अजय जिसकी शक्ल तुम ठीक तरह से नहीं पहचान सकते उसे अपने पिता का हत्यारा बता रहे हो। बरखुरदार, तुम्हारी इस तरह की हरकत तुम्हें कानून का मुजरिम बना सकती है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करूं, यू बेटर गो नाउ। इस बेगुनाह पर इल्जाम लगाने के लिए तुम्हें हिरासत में लिया जा सकता है। इसका मतलब वो इंस्पेक्टर अजय कुमार नहीं है, मेरे पिता का हत्यारा देवा ही है। साला अपने आप को दादा समझता है, हवालत में सड़ा दूंगा तो जानता नहीं मैं कौन हूं। ट्रक ड्राइवर देवा। तो इंस्पेक्टर की वर्दी में ट्रक ड्राइवर देवा है, मेरे पिता का कातिल। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, देवा हूं, ये सच है। मगर ये सच नहीं कि मैं अपने गुरु मास्टर साहब का कातिल हूं। सच तो यह है कि रहने दे तेरा सच, खूनी का सच भी झूठ होता है। रोहित मेरी बात तो सुनो, पहले तो यहां से बाहर निकल, अब तेरे सच और झूठ का पता लगेगा। बता कि तू इंस्पेक्टर अजय नहीं खूनी ट्रक ड्राइवर देवा है, और ये भी बता तू यहां पे क्यों आया। मैं यहां गुरु दक्षिणा देने आया हूं रोहित, और मेरे पास उसका सबूत है। ये रहा मेरे पिताजी का कातिल। मास्टर जी का कातिल मैं नहीं हूं मां। ड्रामा करता है मां, इसकी बातों पर यकीन मत कर। पूछ इसे कि ये देवा है कि नहीं, पूछ मां। तू वही ट्रक ड्राइवर देवा है? हाँ मां। तू पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है? नहीं, पर मां अब इतना भी बता दे कि असली इंस्पेक्टर कहां है। अरे इकरा से कहां पूछ रहे हो, असली इंस्पेक्टर तो ई है। मैंने तुम्हें अपना संदेश देकर भेजा था और तुम मेरा नाम लेकर यहां जम गए। मुझे गलत मत समझो इंस्पेक्टर, मैंने ये जो कुछ भी किया है
परसा जी के कातिल को पकड़ने के लिए किया है। ये फिर से नाटक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। अरे ये तो अपने देवता समान मास्टर साहब का कातिल है। पकड़ो पकड़ो। कोई आगे नहीं बढ़ना वरना गोली चला दूंगा। आओ मेरे साथ आओ। बचाओ। चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो। शायद तुम मेरे पापा के गुस्से को नहीं जानते। वो मेरे खातिर तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और उस वक्त तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ढाल हद में हो तो लोग तलवारों की वारों से भी बच सकते हैं। इस वक्त तुम मेरे लिए ढाल हो और जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं बचता रहूंगा। मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन तुम जैसे दरिंदे के साथ इस भयानक जंगल में मैं हरगिज नहीं रह सकती। ए छोकरी इधर देख, इस जंगल झाड़ियों में बहुत कांटे हैं लेकिन कांटे कभी तितलियों को नहीं काटते। मैं चाहे जो कुछ भी हूं, मेरा मकसद चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब तक मेरा खतरा नहीं टलता तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें किससे खतरा है मुझे बताओ, मैं पापा से कहकर तुम्हारी मदद करवा सकती हूँ। जो कुछ भी करना है शायद उन्हीं को करना है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरी कहानी ना मेरे कहने के लायक है और ना ही तुम्हारे सुनने के। कुछ दिन मेरे साथ रहो, अंजाम अपनी आंखों से देख लेना। इंस्पेक्टर हमका हमार बिटिया सही सलामत चाहिए। अगर ऊ का कुछ हो गया ना तो हम तुमको भी नहीं बख्शूंगा, आग लगा दूंगा मैं सारी दुनिया को। चौधरी साहब मैं मजबूर हूँ, वो जंगल इतना घना और खतरनाक है कि आम आदमी वहां दो कदम भी नहीं चल सकता है। मैंने हेडक्वार्टर से कमांडोज मंगवाए हैं, वो कल परसों तक यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद। और कल परसों तक वो क्रिमिना हमारी बिटिया का क्या हल करेगा सोचा है तुमने? आज ही हमका हमार बिटिया चाहिए, वो भी सही सलामत। और मुझे देवा किसी भी हालत में, जिंदा या मुर्दा। रोहित इंस्पेक्टर ये युद्ध मैंने पुलिस के दम पे नहीं अकेले खुद के दम पे शुरू किया है और खुद ही इसका अंत करूंगा। पर ये कैसे? चौधरी साहब मैं उस खतरनाक जंगल के सबसे खतरनाक आदमी को लाया हूं, बोंगो सरदार। देवा इनके हाथ से कभी बच नहीं पाएगा। पर सरदार हमारी बिटिया को तो कुछ नहीं होगा ना? चुंगा 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 मुंगा चिपक रहा है। ये कह रहा है चौधरी साहब कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काजल आपके पास सही सलामत पहुंच जाएगी और देवा जिंदा या मुर्दा मेरे पास होगा। आज तुम सब लोगों को इस नारी निकेतन से दूसरे नारी निकेतन जाना है और हाँ एक बात का खास ख्याल रखना है कि वहाँ के लोग जैसा कहें तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। अब जाओ, जाके जाने की तैयारी करो। उई मा, रानी भी। इस डर के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। चार पांच मुस्टंडे उस गंजे सांड से उधर मिलने आ रहे हैं। अब क्या करें? आओ देखते हैं, आओ। तुम लोग बेकार में घबरा रहे हो,
लड़कियां तुम्हारे अड्डे पर आराम से पहुंचा दी जाएंगी। पर हमें डर है मदन कि कहीं देवा गजराज बाबू की बेटी को ढाल बनाकर हम पर वार ना कर दे। डर? मास्टर वासुदेव ने भी हमारा राज जानकर हमें डराया था, हमने उसे मार डाला। और रहा देवा, हमने तो उसे इस तरह फंसाया है कि वह हमारे मारे बिना ही मर जाएगा जंगल में। इसलिए तुम लोग डरना छोड़ो और चलने की तैयारी करो, मैं स्पॉट पे मिलता हूँ। रानी बेबी, अब क्या होगा? हमें किसी भी तरह देवा तक पहुंचना चाहिए, मगर निकलेंगे कैसे? 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 तक नट खट का नट देखा? खट नहीं, आ शुरू। नहीं नहीं पीली पीली, नहीं नहीं हरी हरी, नहीं नहीं नीली नीली, अरे नहीं नहीं। कमीज मेरी कहली हजारों फूल वाली, कमीज है कि जादूगरी है, बूटी से
मुझे ऐसे लगता है कोई हमारे पीछे आ रहा है। एक काम करना, आगे से तुम लेफ्ट चली जाना, मैं राइट चली जाऊंगी। ओके आ जा। रानी बेबी, ओ अरे गुंडे, रानी बेबी, अरे अरे गुंडे, अरे अरे मेरी रानी बेबी को छोड़, अरे मेरी रानी बेबी को छोड़, अरे मोटे गैंडे सांड, मेरी रानी बेबी को छोड़, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अरे टेक्नो बता, टेक्नो में मार दूंगा, मेरी रानी बेबी को कुछ हुआ तो जान से मार दूंगी, अरे सांड छोड़, अरे मैं तुझे छोड़ूंगी, मेरे को नहीं, छोड़, मार दूंगी, अभी मर गई, मर गई, बाबू ये देवा की माशूका है, इसको पता है कि देवा कहाँ है, बोल कहाँ है। देवा तो है, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना जान गई हूँ कि ये लोग नारी निकेतन के आड़ में औरतों की जिस्म का धंधा कर रहे हैं। ये बात माँ से भी जान गई थी, इसलिए इन लोगों ने उनको मार डाला। नहीं नहीं रोहित बाबू, ये देवा को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। नहीं, नहीं रानी में भी झूठ नहीं बोल रही, झूठ तो मोटा सांड बोल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप नारी निकेतन जाकर पता लगा लो ना। रोहित बाबू ये ठीक है कि हम आदमी है ना औरत है, इंसान तो है ना, एक बार इस हिजड़े की बात पर यकीन कर लो, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं रोहित बाबू, ये भी झूठ बोल रहा है, पर तुम्हारा चेहरा सच बोल रहा है, अब जबान से भी सच बोल दो। छोड़ना नहीं सांड को। मुझे मुझे बचा लो, दलदल से बचा लो, इससे बचा लो, बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, बचा लो। बोल, मेरे पिता की हत्या किसने की? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं नहीं बताता हूँ, मैं सच बताता हूँ। मास्टर जी नारी निकेतन की असलियत जान गए थे, इसलिए गजराज बाबू ने उन्हें मार डाला, मैं तो सिर्फ उनके साथ था, मुझे माफ कर दो। तुम तो माफी के लायक ही नहीं हो। आज सच्चाई सामने आ गई, मैंने देवा को कितना गलत समझा था, लेकिन आज उसे बचाना है। चलो जल्दी करो जल्दी। लगता है जंगली जानवर और आदिवासी इस तरफ ही आ रहे हैं, हमें यहां से जाना होगा।
रॉबिन हुड, मैं नट हूं। जाओ जाओ। मैंने आपको समझने में भूल की, मैं शर्मिंदा हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलत समझा था कि आप मेरे पिताजी के कातिल हो। तो तुम्हें मालूम हो गया कि मास्टर जी का कातिल मैं नहीं हूं, तब तो तुम ये भी जान गए होंगे कि असली कातिल कौन है। मास्टर जी का कातिल गजराज चौधरी है। क्या भक्ति हो, खबरदार अगर किसी ने मेरे देवता जैसे पिता के बारे में कुछ कहा तो। काजल बुरा मत मानना, मैं भी कुछ दिन पहले तक तुम्हारे पिता को देवता समझता था, लेकिन मैं तो देखते ही उन्हें पहचान गया था कि वो कौन है। तो कहा क्यों नहीं? सच्चाई को भी सच साबित करने के लिए गवाहों की जरूरत पड़ती है। अब इतने सारे गवाह हैं कि ये सच नहीं हो सकता। मैं पता करवाती हूँ कि सच्चाई क्या है। काजल देखो शारदा देवी, ये है तो हार चिता। अगर तुम्हारे दोनों बेटे वक्त पर नहीं आए ना तो जिंदा जला दूंगा ही पर, और उसके बाद तुम्हारे दोनों बेटे और उनके साथियों के लिए भी चिताएं तैयार हैं। अरे काहे हंस रही है तू? अरे तू हंस काहे रही है? बच्चे माँ को खुश करने के लिए अक्सर झूठ भी बोलते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने मुझसे सच कहा था। उसने कहा था मास्टर जी का कातिल दुनिया की पहली लाश होगी जो खुद चलकर मरघट तक पहुंचेगी। चौधरी तुम वहां आ गए हो जहां तुम्हें मरना है, मेरे बेटे आते ही होंगे। मैं जब तू जमीन के ऊपर चिता सजा रहा था ना, तो जमीन के अंदर मैं तेरी कब्र खोद रहा था। मार डालो उन सबको और चिता में आग लगा दो। Hey!
ये रहा मेरा पिता का असली कातिल मां। ये ले मां, मार डाल। इसे मारने का फैसला मेरा नहीं था, मेरे क्रोध और प्रतिशोध का था, जिसे मैं अब मार चुकी हूं। इसे अब मैं नहीं मारूंगी। नहीं मां, जो दूसरे की जान ले चुका है वो जीने का हक गवा चुका है, इसे क्षमा मत कर, सजा दे इसे। सजा देने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले का है, इसका पाप ही इसका पीछा करेगा। जा, भाग जा पापी, मेरी नजरों के सामने से जा, दूर हो जा। चल मुए चल। माँ ये है काजल, चौधरी परिवार की। ये अधूरा परिचय क्यों दे रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि हमारी होने वाली बहू है? उठो। माँ जी। क्या हुआ? फरियाद है, फरियाद है, आपके घर में इसकी मोहब्बत बर्बाद है। क्या बात है? देवा गांव छोड़कर जा रहा है। हाँ माँ जी, आपका बेटा तो बड़ा धोखेबाज निकला, कहने को तो वो सिपाही था लेकिन वो चालबाज निकला। हाँ। वो चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? उससे मिलने के बाद मैंने अपने घुंघरू उतार कर फेंक दिए थे, अब मैं कहाँ जाऊंगी माँ? देवा कहाँ है? माँ आ गया वो, समझाओ इसको। मुझे आज्ञा दे माँ। आज्ञा लेने से पहले तू जाने के लिए तैयार होकर आया है, यही सोचा होगा ना कि रोकेगा कौन? एक दिन तूने मुझसे पूछा था कि माँ मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे अपना बेटा समझो। आज आज मैं तुझसे पूछती हूं कि मैं ऐसा क्या करूं? तेरा भाई रोहित क्या करे? ये रानी क्या करे? ये गांव वाले क्या करे कि तुम हमें हमें छोड़कर ना जा? ये क्या बोलेगा मां, इसे तो अब सिर्फ सरकार का हुक्म सुनना है। सरकार ने देवा को भरतपुर थाने का इंचार्ज बना दिया है। अरे क्या बात है, सलाम करो। नए पुलिस इंस्पेक्टर। शर्माने लगी हाँ ये तुझको अचानक क्या हो गया? शर्माने लगी।